हेलो एवरीबॉडी, किरण मेघानी किचन में आपका स्वागत है। और गर्मी आ रही है, मैं फटाफट आपको बनाने वाली आइसक्रीम सिखा रही हूँ, जिसका नाम है कुकीज आइसक्रीम। जिसके लिए मैंने लिया है 4 इंग्रेडिएंट से बनने वाली आइसक्रीम है। 250 ग्राम फ्रेश क्रीम, इसको मैंने फ्रिज से 10 से 15 मिनट पहले बाहर निकाल के रखा है। और इसके अंदर मैं ले रही हूँ ट्रफल सॉस, इसका वीडियो आप मेरे लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और ये प्लेन कुकीज़ लिया है मैंने, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं आपको। और गार्निश के लिए चॉकलेट चिप्स। अब मैं फ्रेश क्रीम को एक बाउल में डाल रही हूँ। ये 250 ग्राम फ्रेश क्रीम है। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी कुकीज़ आइसक्रीम, और जल्दी से जल्दी जमने वाली भी है। और इसको आप हाफ सेट करके भी सर्व कर सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी ट्रफल सॉस। ट्रफल सॉस की रेसिपी मैंने पहले सिखाई हुई है आपको। इसको अच्छे से दोनों चम्मच से मिक्स कर देंगे, ताकि इसका कोई लम्स वगैरह ना आए फ्रेश क्रीम के अंदर। ये देखिए, अच्छा सा चॉकलेट कलर आ रहा है। 10 मिनट में तैयार होने वाली आइसक्रीम है आपकी ये। बस इसको आप हाफ सेट करके भी सर्व कर सकते हैं, और ज्यादा सेट करके भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आए तो फटाफट इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर कलर आ गया है। मैं अब इसके अंदर कुकीज के पीसेस डाल रही हूँ। कुकीज के पीसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, छोटे बड़े जैसा भी आप लाइक करते हैं। थोड़े बड़े डालने से इसके अंदर क्रंच आता है। मिक्स हो चुके हैं। जिस बाउल में आपको आइसक्रीम सेट करनी है, उसके अंदर इसको मिक्स कर रही हूं मैं। अच्छे से धीरे धीरे डाल देना है, ताकि को नीचे से जाके कुकीज जम ना जाए। ऊपर से चॉकलेट चिप्स। ये देखिए, आपकी कुकीज आइसक्रीम का बैटर तैयार हो गया है। इसको हम अब लॉक करके और फ्रीजर में रखेंगे। 3 से 4 घंटे इस आइसक्रीम को बनने में लगेंगे, और इसको आप 6 से 7 दिन तक फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। ये आपकी आइसक्रीम सेट हो गई है, इसको निकाल देंगे। ये 3 घंटे में बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई है, और सॉफ्ट की सॉफ्ट आइसक्रीम है। चोको स्टिक से गार्निश करके इसको सर्व करेंगे। यदि आपको मेरी आइसक्रीम पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इस आइसक्रीम को बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।